রাতের দিকে আলে উপর মাথা ভর্তি গায়ে হবে। ठीक है, तो यह देख सकते हो करीबन 273,000 की पुट में सिग्नल आया हुआ है सेल साइड का भी ब्रोकर में, मगर पुट में कैसे पोजीशन बनानी है 10:40 के बाद एक माइनर जर्क दिखाई दे। ठीक है, तो अगर 248 के अबोव ही सस्टेन हो रहा है, ठीक है, 248 वीवैप की प्राइस है, ठीक है, वीवैप 248 के अराउंड है, तो उसके अबोव ही मिले 10:00, मगर 10:40 10:40 के बाद की बात है। ठीक है, तो वही अपनी पोजीशन बनाएंगे। टू 26 को सपोर्ट ले रहा है, 227, 227, 227, 227 को वॉच करके रखिए, मैं अपनी पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, 227 के अबाउट 100 का एसएल लगा दी। ठीक है, सिग्नल कंटिन्यूस है, सिग्नल अभी ब्रोकर के सिग्नल में देखते कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं। 227 के अबाउट 73,000 की पुट। सर जीरोधा पे ये पुट कैसे, ये क्या लिखने का तो आ सकता है ये? 73,000 लिखो, उसमें फिर गोल्ड आता है। नहीं सर 73,000 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपके स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड। जैसे यहाँ मैंने सॉरी 73,000 PE। यहाँ देखिए सर, मैंने 73,000 लिखा, यहाँ आ गया सर। जी। देखिए 227 के अबोव सस्टेन हो रहा है, पोजीशन बनाइए और कंटिन्यूस करिए। यहाँ 10:40 के बाद 11 नंबर का लैप्स हो रहा है करीबन मून के नीचे के नक्षत्र और सब नोड में से, एक माइनर करेक्शंस होना चाहिए। अपनी लॉट साइज कब जाके बढ़ा सकते हैं, तो 11:50 के बाद, अगर सिग्नल कंटिन्यूस रहता है 11:50 के बाद, तो तब जाके लॉट साइज थोड़ी बढ़ा सकते हैं, अगर हमें ब्रोकर में सेल साइड का सिग्नल है तो।
चिराक्षा 73,000 की पुट में पोजीशन बनाई और काफी अच्छा गेन किया 57,000 विद इन अ 10 मिनट्स।
या आप देख सकते हो जैसे हमने एजम्पशन किया 10:45 पे माइनर करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे हमने क्यों एजम्पशन लगाया हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, ठीक है। तो 10:40 पे क्या हो रहा है, 10:40 पे यह आप देख सकते हो मून के नीचे का नक्षत्र मार्स है, और उसमें से 11th नंबर लैप्स हो रहा है, ठीक है। दोनों मार्स मार्स है, 11th नंबर लैप्स हो रहा है। 11th का हाउस इंडिकेट करता है बेनिफिट का हाउस, वो जैसे ही लैप्स हो रहा है माइनर करेक्शन होनी ही होनी है, ठीक है। तो यहाँ 10:40 के बाद यहाँ हमारा एजम्पशन था, और वाकई द मार्केट ने क्या 73,000 की पुट जो हमने करीबन 220 से पोजीशन बनाई थी वो करीबन 341 तक गई, ठीक है। सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। 227 से लेके 351, अगर 351 को सस्टेन कर रहा है ऊपर में 476 तक के टारगेट आपके लिए ओपन टू ऑल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बढ़िया मोमेंटम यहाँ दिख रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग सर, बन सके तो एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ देखने को मिल रही है। जो हमारा एजम्पशन था वो एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा करेक्ट रहा, और काफ़ी अच्छी मोमेंटम भी दिख रही है, ठीक है। अब हम बोलोगे कि कब तक वो सस्टेन होगा, जब तक हमें ब्रोकर के सिग्नल को रिस्पेक्ट करिए और एस्ट्रोलॉजी के टाइम को भी सिंक्रोनाइज करिए, ठीक है। तो करीबन आपने देखा कि 73,000 की पुट में करीबन 220 से लेके ऊपर में एक अच्छी खासी स्पाइक्स आपको देखने को मिली, 400 तक की जर्नी देखने को मिली, ठीक है। मार्केट काफी अच्छा करेक्ट हो रहा है, या आप देख सकते हो सेंसेक्स में 73,000 की पुट जो हमने पोजीशन बनाई थी करीबन 227 से लेके 400 तक गए, ठीक है। अब 476 तक के चांसेस है, तो मगर एसएल ट्रेल करके चलिए, और छोटे प्लेयर हो तो मौके प्रॉफिट बुक करना भी मत भूलिए, ठीक है। तो एसएल हमेशा ट्रेल करके चलिए, और जिसने भी पर्टिकुलर गेन किया हो शेयर कर सकते हो ना एक्सपीरियंस, जिससे दूसरों को भी मोटिवेट मिलता रहे। किसी ने पोजीशन बनाई थी, यस और नो? धनंजय सर, उमेश सर, राजेंद्र सर, चिराग सर की एंट्री एंड एग्जिट देख लेते, काफ़ी अच्छी जर्नी सुबह का ये टाइम स्लॉट है, 73,000 की पुट में 57,000, वंस अगेन थैंक्स। ठीक है, काफ़ी अच्छी फॉल देखने को मिल रही है, और देख लेते 73,000 की पुट में भी क्या मोमेंटम मिल रही है। तो सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो यहाँ काफ़ी अच्छी मोमेंटम 73,000 की पुट में भी मिल रही है, ठीक है। तो करीबन
220 से 227 से लेके आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ काफ़ी अच्छी मोमेंटम, काफ़ी अच्छी गिरावट, 10:40, क्या इम्पोर्टेंस होता है टाइम का, सभी को नॉन हो गया होगा, ठीक है। 4:44, 4:45 तक, 4:47, 4:55, ठीक है, या 4:76 जो हमारा एजम्पशन है, जो पीवोट है, क्या बढ़िया मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। या तो करीबन 227 से लेके, ठीक है, 2x ROI, 2x ROI देख सकते हो विद इन 30 मिनट्स में, 2x ROI कर सकते हो, ठीक है। या तो करीबन 4:55 तक, करीबन 227 से 4:55, 2x ROI विद इन 30 मिनट्स में कैसे गेन की जाती है। हाँ तो दोनों को सिंक्रोनाइज करते हुए अगर ट्रेड लेते हो, जिसने भी अगर ट्रेड नहीं लिया, मगर क्या सिंक्रोनाइजिंग होता है चीज़ों को, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। हमारा एजम मार्केट ने सिग्नल दिया करीबन 10:20 के अराउंड, और हम लाइव आए करीबन 10:30 के अराउंड, और आपको गाइड करने की 70,000 के पुट में 227 से बाइंग की, और 4:55 तक जाने दी। वहाँ हम बहुत ही डैमश्योर के थे कि भाई 10:40 के बाद एक करेक्शंस होगा ही होगा, क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन भी देखा कि मून के नीचे के नक्षत्र और सब लोड में मार्स एंड मार्स, और उसमें से 11th नंबर लैप्स हो रहा था, 11th हाउस लैप्स हो रहा था, और एक करेक्शंस काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला, बढ़िया मोमेंटम भी देखने को मिली, ठीक है। तो ये होता है, तो सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए हमेशा टेक्निकल एंड एस्ट्रोलॉजी के पहलू को, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर्स में, आप 2x करके निकल सकते हो। अभी भी बढ़िया मोमेंटम यहाँ दिख रही है, और 76 को टच करेगा ही करेगा, ठीक है, कर दिया उसने। या कॉन्ग्रेचुलेशन, सेकंड टारगेट हिट, 227 से लेके 476। कॉन्फिडेंस वहाँ बिल्डअप होता है टेक्निकल के साथ, अगर एस्ट्रोलॉजी को सिंक्रोनाइज करें तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और क्या 476 वाकायदा हमेशा पिवोट को हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट करता ही करता है, मगर वो मोमेंटम में ट्रेड करने से जर्नी आसान हो जाती है। काफ़ी अच्छी मोमेंटम, 500 क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है, 500 को भी उसने टच किया, 73,000 की पुट, ठीक है। टाइम स्लॉट कब तक है, तो टाइम स्लॉट आप देखोगे 11 नंबर लैप्स हो रहा है अभी, 8 प्रेजेंट बज रहे हैं, 11 बजे, 11 बजे के बाद भी यहाँ एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यूस रह सकती है 11:30 तक, करीबन 11:25 तक रह सकती है मे बी, ठीक है। तो देख सकते हो, ये 227 से लेके 510 तक की जर्नी देखने को मिली, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट पे मिलते हैं करीबन 11:50, ठीक है, तब तक वेट करिए, थैंक्स अ लॉट।